हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और इंतज़ार रहता है कब ठंड आएगी और मैं गाजर का हलवा बनाऊं और खाऊं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने धोकर 1 किलो गाजर लिया है। तो सबसे पहले गाजर को छील लेंगे, इससे और गाजर का हलवा खाना भी चाहिए। विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है गाजर में। जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देख सकते हैं आप, गाजर मैंने छील लिया है। इसको मैं एक बार साफ पानी से धो लूँगी। इसको धो लिया है मैंने। इसका ऊपर वाला पार्ट, ये जो है, इसको काट कर हटा देंगे, और ये पीछे वाला सबका हटा लेंगे। और इसको हटाते जाएंगे, इसमें इसको निकाल कर रख लेते हैं। ये मैंने ग्रेटर लिया है और इससे गाजर को ग्रेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैंने एक पैन लिया है, गैस को कर देंगे ऑन। तो पैन गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे देसी घी 2 चम्मच, घी के मेल्ट होने के बाद इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तो देखिए घी गरम हो गया है। इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे अभी, क्योंकि गाजर से पानी रिलीज होगा। इसको हाई फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। अभी तो इससे पानी और रिलीज होगा, तो आप बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं चलाना, क्योंकि ये अभी नहीं चिपकेगा। इसको अभी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। तो देख सकते हैं गाजर से पानी रिलीज हुआ है। तो गाजर का क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें अभी और पानी है, इसको भूनने में अभी 10 मिनट लगेगा और, तो इसको हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है गाजर का। इसको भूनने में 15 से 20 मिनट लगा है मुझे हाई फ्लेम पर। तो इसमें डाल देंगे अब, 1 किलो गाजर है, तो इसमें डाल देंगे फुल क्रीम दूध 1 लीटर। इससे अच्छा हलवा बनेगा फुल क्रीम दूध में। तो इसमें मावा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूध में ही गाजर को पकाएंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स, आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मैंने लिया है बादाम, किशमिश और छुहारे। इसको मैं अभी डाल दूंगी, क्योंकि दूध में पकने के बाद ना ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हलवा का भी टेस्ट उससे अच्छा आएगा। तो इसमें मैं डाल दूंगी चीनी 100 ग्राम।
आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि गाजर भी मीठा रहता है, इसलिए कम चीनी डाला है मैंने। दूध को पकाएंगे अब हाई फ्लेम पर। तो देखिए दूध उबल गया है, तो इसको ढकेंगे नहीं और इसको खुले में ही इस तरह से पकाएंगे, क्योंकि ढकेंगे तो दूध ऊपर आ जाएगा, उबलकर ढक्कन से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए इसको अभी ढकेंगे नहीं। इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूध कम हो गया है जलकर, इसको पकाने में ना कम से कम 25 मिनट लगेगा अभी। तो देख सकते हैं आप, इस टाइम पे ना दूध के छींटे उड़ने लगते हैं, तो हाथ को बचाकर इसको चलाएंगे। ये देख रहे हैं, इसके छींटे उड़ने लगते हैं। मुझे पकाते हुए 20 मिनट हो गए हैं दूध को, तो इसमें डाल देंगे अब इलायची का पाउडर, तो जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलवा में और खुशबू भी। देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से पक गया है, इसमें गाढ़ा हो चुका है। तो हल्का हल्का इसमें अभी गीला गीला सा है, लिक्विड ही है। 5 मिनट और इसको अभी पकाएंगे हाई फ्लेम पर। आधा चम्मच डाल देंगे इसमें देसी घी, इससे हलवा में ना बहुत अच्छा शाइनिंग आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। लास्ट में डालने से घी, तो देख सकते हैं हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। गैस को कर देती हूँ ऑफ। तो देख सकते हैं हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी आकर बताइए कैसा बना है टेस्ट करके। बाय बाय।